गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम आनाकूट जा रहे हैं। आनाकूट हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? हाथी का जगह। हाथी का जगह नहीं, हाथी का रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट। हाँ। तो हम उधर जाने वाले हैं। तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे उधर, है ना? क्या? हाँ हाँ, पूरा कुछ बात तो करो, फिर सबको लगेगा कि रयान को आज कुछ हो गया, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। बात करो कुछ। हाँ, एक्चुअली मैं घूमने जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या हो? एक्साइटेड। अच्छा, इसलिए बस चल रहा था। हाँ। अच्छा, आप लोग करो, मैं बातें करते रहूँगा बीच बीच में। बातें करते रहोगे? हाँ। तो चलो, अब सब लोग आने के बाद हम मैं सीधा कार का, आप मुझे पूछते रहना। हाँ, तो हम जा रहे हैं हमारे इस गाड़ी में जो है स्विफ्ट डिजायर 2011 आई थिंक, उसमें जा रहे हैं। तो गाड़ी से अब मैं बाहर का व्यू दिखाऊंगा जाते हुए थोड़ा। अब तो हम सीधा मिलेंगे क्या रानी? हाँ। यस रानी, एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट फॉरेस्ट रिजर्व में। बाय। अभी हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट के, क्या बोलते हैं उसको, म्यूजियम, क्या, एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व में हम जा रहे हैं। कुछ एलिफेंट्स का इंटरव्यू लेने के लिए हमें बुलाया गया है स्पेशली। हाँ। अरे मास्टर, और एलिफेंट को नहला रहे हैं। हाँ, चलो अब उसका नज़ारा देख। तो ये जो स्पेशल एलिफेंट है, ये छोटा बच्चा है, तो अभी ये नहा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। ये है उसका, क्या ये उससे भी थोड़ा बड़ा वाला, इसके ज़्यादा पास नहीं जाना, पता चले इसको पसंद नहीं है। वीडियो बनाना तो हमें ही आके खा जाए ना। क्या मस्त लग रहा है ना ये। चलो अब जाके उसको मिलते हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। चलो उसको जाके मिलते हैं। वो बड़ा वाला। ये इसका नाम है कृष्णन और ये 9 साल का है। 9 साल का। अच्छा, हेडफोन लगा हुआ इसलिए ऐसे घूम रहा है। हाँ, फिर ये क्या खा रही, खा क्या रहा है? घास खा रहा है। कुछ कुछ तो कुछ और ही खा रहे थे, कुछ और टाइप का पत्ता। वो देख, वो सबसे बड़ा है। फूफा और आप? हेलो, मैं मौसा, मौसा फूफा नहीं है, मौसा। हेलो, मैं हूँ अप्पू की मौसी, डियर सितपा मौसी। चलो अब मिलते सबसे बड़े हाथी से इधर, इस क्या, इस म्यूजियम का। उधर जाना अलाउड तो नहीं है, लेकिन हम जूम करके दिखाएंगे। तो चलो, ये है इधर का सबसे बड़ा हाथी, इस सबसे बड़ा हाथी इधर का। ये है 25 इयर्स का, इसका एज है 25। इतना बड़ा इसी के लिए अलाउड नहीं होगा इसके पास जाना। इसके बाप रे, ये तो 31 इयर्स का है। अच्छा, 31, वो 25 का है। इसके नाक के अंदर कुछ घुस गया लग रहा है। नहीं,
नहीं इसके नाक के अंदर कुछ घुस गया लग रहा है, इसी कर रहा है। कितना ये तो थोड़ा थोड़ा गुस्से में लग रहा भाई, क्या पता खींच ही ले हमको इसके अंदर। वो है ये 31 का और वो है 38 का। ये देखो ये अपने ऊपर ही खुद से ही पानी मार रहा है, ये देखो खुद को ही नहला रहा है। ये देखो कितना मस्त है, ये खुद को ही नहला रहा है, नीचे से पानी ले रहा है पाइप से और अपने ऊपर ही डाल रहा है। इसका ईयर ये है 20 इयर्स का, लेकिन वो पाइप से पानी ले रहा है और अपने ऊपर ही डाल रहा है। ये कुछ ज़्यादा लंबा है इसका पैर और नाक। हाँ ये देखो ये ऐसे नहा रहा है, ये खाना खा रहा है, ये ज़्यादा इन सब में सबसे एज्ड है, ये 38। लेकिन छोटा है, लेकिन दिखने में छोटा है, वो सबसे लंबा है। तो ये एरिया बहुत ग्रीन है, एकदम ग्रीनरी वाला एरिया है, एकदम मस्त एरिया। सब एक एक हाथी के ऊपर शेड लगा है, एक एक हाथी के ऊपर शेड लगा है, सो दैट कुछ प्रॉब्लम ना हो हाथी को, बारिश वारिश या कुछ भी हो तो। और इनके पैर दो बड़े बड़े पिल्लर से बांधे गए सो दैट ये इधर उधर निकल के चले ना जाए। तो वो जो छोटा हाथी दिख रहा है वो एक बच्चा है, वो थोड़ा डाइजेस्ट कर रहा है जो खा रहा है। ये पू ये थोड़ा उस साइड से दिखाता हूँ और थोड़े अच्छे से, उधर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा, ये है बच्चा वाला हाथी, ये एक साल का हाथी है, बहुत छोटा है ये एज में। ये वॉकिंग कर रहा है, कुछ जो भी खा गया है उसका थोड़ा डाइजेशन कर रहा होगा। तो ये सबसे छोटा हाथी इधर का। तो अभी हम मिल चुके सबसे बड़े हाथी से भी और सबसे छोटे हाथी से भी। इन दोनों में से मेरे को तो सबसे छोटा वाला ही पसंद है, बहुत क्यूट लग रहा था वो देख के, उसका चेहरा नहीं देख पाया लेकिन उसका साइज़ देख के। तो अभी हम अगला कहाँ जा रहे हैं? अगला अभी हम जा रहे हैं कोट्टावंजी। कोट्टावंजी वाह। यस। तो पानी का अल्फोंस के तो मज़े हैं, मज़े ब्लॉगिंग के नाम से बस घूमते रहो, मस्त घूमते रहो, है ना, है ना। चलो तो अब अगला मिलेंगे कोट्टावंजी में। ये कोट्टावंजी जो मैं अभी बोला, तो ये कोट्टावंजी एक ऐसा जगह था जो जहाँ थोड़ा बहुत बड़ा बहुत वास्ट एरिया में पानी है। अगर एक कट्टा, मलयालम में कट्टा मतलब एक छोटा सा बर्तन बॉल टाइप का, लेकिन थोड़ा ज़्यादा खुला टाइप का, लाइक इट्स अ टाइप ऑफ पैन बट इट लुक्स लाइक अ बॉल, ऐसे टाइप का एक बड़ा वाला जो बनाते आई थिंक ये कोकोनट का ट्री का लीफ, हिंदी में हाँ टोकरी, यस टोकरी टाइप का एक बड़ा, जिसके ऊपर आप बैठ के तैर सकते, नॉट तैर सकते, फ्लोट कर सकते, और वो बहुत मस्त दिखता है, दिखता भी, और उसमें राइड करना तो और भी ऑसम है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके देन बाय एंड लेट्स मीट। तो इधर जो दिख रहा है कोनी इको टूरिज्म, एंजॉय द बोल बोट राइडिंग, वही होता है कोट्टावंजी जो टोकरी टाइप का होता है। इसका एड्रेस आप देख सकते हैं इधर, ये है इसका एड्रेस, अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं। ये केरला में है, ये लॉन्ग राइड के लिए 1 घंटा, शॉर्ट राइड के लिए 30 मिनट्स, शॉर्ट राइड के लिए 500 ऐसे ही है। तो चलो अब सीधा कोट्टावंजी में मिलते हैं। इधर एक ट्री टॉप बैम्बू हट भी है, तो आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कोट्टावंजी में, बोल रहा हूँ मिलते हैं बाद में, और अच्छे अच्छे चीज़ मिल रहे। तो बाय।